राजा की सारी गरिमा को तार तार करने का कार्य कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कर रही है, चाहे वह स्टैंडिंग कमेटी हो चाहे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। संसद में एक नियम होता है कि आप जब संसदीय समितियों में बैठते हैं और उनमें जो चर्चा होती है, जब तक वह पूरी रिपोर्ट संसद के पटल पर नहीं रखी जाए तब तक उस रिपोर्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है सार्वजनिक रूप से। पहली बार हम लोगों ने कल देखा कि भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं श्री जयराम रमेश जी और मनीष तिवारी जी, बकायदा उन्होंने अपना डिसेंट नोट न केवल सार्वजनिक किया बल्कि उन्होंने मीडिया में बयान दिया। इस तरह की कार्यों की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। दरअसल कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा है और आज भी कांग्रेस यही कर रही है कि किस तरह से वह राष्ट्र विरोधी शक्तियों का साथ दे। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 एक बहुत प्रमुख बिल था और यह श्री कृष्णा कमेटी जस्टिस श्री कृष्णा जी के कारण फिर सरकार ने लाया और सरकार ने खुद कहा कि इसको हम JCP में भेजेंगे, ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में। यह बिल 12 साल पहले एक फॉरेस्ट एक्ट आया था जिसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट बैठी थी, उसके बाद यह दूसरा बैठा। नहीं तो इस बीच में हमारे यहाँ JPCs हुए हैं पर यह ज्वाइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट फॉरेस्ट एक्ट के बाद कभी नहीं हुआ था। और इसमें हम सबों ने तय किया और जो बात पर मीडिया में कल जयराम रमेश जी ने कहा है कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पर सरकार डाटा देख नहीं सकती है, यह एक पूरी साजिश है। अगर हम पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का कार्यकाल देखें तो कश्मीर के बाहर एक भी आतंकवादी घटना नहीं हो सकी है। घटना होने से पहले ही अपराधी पकड़ा गए हैं, जबकि कांग्रेस के शासन में घटना होने के बाद लकीर को पीटा जाता था। पर हम लगातार अभी देख रहे हैं कि जितने साजिशें भारत के प्रति रची जाती हैं उन सभी साजिशों का होने से पहले ही उद्बोधन हो जाता है। इसलिए यह जो उन्होंने एक इसमें क्लॉज 35 पर जो विरोध किया है कि भारत सरकार किसी का डेटा नहीं देखे, अगर कोई अपराधी है, कोई देश का दुश्मन है, कोई अगर कोई हत्या का आरोपी है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।